आ चुके और अब देखते हैं किस तरीके से खेलेगी। आपको टीम सोल वर्सेस टीम फोर्टीन दिखने वाली अभी की। यहाँ पे हेक्टर एक काफी ज्यादा बढ़िया स्प्रे यहाँ पे इन्होंने दी और यहाँ पे डाउन किया, लेकिन ओम फो यहाँ पे गॉब्लिन को डाउन करेंगे। फोर किंग के स्प्रे गॉड हेक्टर ने यहाँ पे डाउन किया था। दोनों तरफ से आपको यहाँ पे एक 1-1 होता दिखने वाला अभी के लिए तो। एंड लेट्स सी किस तरीके से ये गेम अभी के लिए हम यहाँ से आगे बढ़ती है। बात करेंगे यहाँ पे टीम सोल की। हेक्टर आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, हल्का डीप एंगल पे खेलते हैं, स्प्रे गॉड पाएगा से आपको ऑलरेडी देख लिया। ओम फो इज होल्डिंग एंड ओम फो बाहर निकल के गलती कर दी, क्योंकि आपने यहाँ पे ओपन आने गलती की। आपको स्पॉट कटिंग डाउन किया 2-1। आपको यहाँ पे स्कोर ऑलरेडी होता दिखना है। स्प्रे गॉड आगे मूव करने की कोशिश करेंगे, बट यहाँ पे गॉब्लिन साथ साथ आगे बढ़ेगा, उनको फिनिश करेंगे। 3 हो चुका है यहाँ पे। 4th आता दिखेगा गॉब्लिन की तरफ से, काफी ज्यादा बढ़िया स्प्रे गई और एक और प्लेयर यहाँ पे फिनिश हो दिखेगा। स्प्रे गॉड यहाँ पे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे एंड एक और बार नन अदर देन गॉब्लिन हिमसेल्फ एक और बढ़िया यहाँ पे फिनिश उन्होंने निकाली। और अभी के लिए जोड़कर के पीछे हटा जाते हैं, गप होता है कि 5 डायरेक्टली आप यहाँ आगे आ सकते हैं। दोनों तरफ से यहाँ पे आपको कवर एटलीस्ट मिल रहा है, लेकिन गॉब्लिन डायरेक्टली फाइट के अंदर गए थे, फिनिश हो गए हैं। उसके साथ हेक्टर यहाँ पे आगे बढ़ने कोशिश की, एटलीस्ट एक प्लेयर का भी पिकअप यहाँ पे निकालेंगे तो वापस से उस लीड को मेंटेन करने की कोशिश की है। 4-5 लीड अभी भी आपको इनका निकाली। रीलोड लगता गन चेंज करने की कोशिश, कोई खास ज्यादा फायदा नहीं हुआ। अब अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो गॉब्लिन फुल स्पीड आगे बढ़ने की कोशिश की तरफ से रहने वाली और यहाँ पे डैमेज काफी तगड़ा दिया था ओमफो को, लेकिन गॉब्लिन को दोनों साइड से गोलियां पड़ेगी एंड फोर्किंग काफी बढ़िया तरीके से एक अधिक लगातार दोनों अलग अलग एंगल से आके ना यहाँ पे कवर अप कर ले रही है एक दूसरे को। काफी बढ़िया तरीके से यहाँ पे पिकअप निकाल ले रही है, लीड को हम करने की पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन गॉब्लिन की बात करेंगे तो यहाँ पे अभी बगल में बैठे यहाँ पे प्लेयर्स आपको देखने वाले हैं फोर्किंग के, जो कि वैक अच्छी निकालते हैं। बट गॉब्लिन आगे बढ़ेंगे, 8-5 लीड वापस से अपने हाथ में यहाँ पे ली हुई है और अभी भी कोई खास यहाँ पे बोलूंगा डिफरेंस नहीं है। 3-4 लीड तुरंत फिनिश हो सकता है, बेटर रहेगा उस लीड को और ज्यादा मैक्सिमाइज कर लीजिए और ज्यादा बड़ा कर लीजिए। 6 पॉइंट आपको यहाँ पे फोर्किंग के पास दिखने वाला। हेक्टर इस ट्राइंग इज बेट, एचपी ज्यादा नहीं है लेकिन स्टिल हेक्टर विद अ डॉट एचपी, आई डोंट नो कैसे, बट बहुत ज्यादा अच्छी वैल्यू निकाली हेक्टर। आई डोंट थिंक करना चाहिए, एचपी बहुत कम दी, अच्छा वो पिक नहीं किया वरना शायद एक सिर्फ बुलेट लगती और यहाँ पे हो जाता है। बट 6-10 वापस 4 लीड टीम सोल के आते हैं और गॉब्लिन कोशिश करने यहाँ पे वैल्यू निकाली। साथ में हेक्टर ऑलरेडी पीछे आ जाएंगे और लीजिए ओमफो को भी यहाँ पे डाउन किया जाएगा, ओमफो फिनिश हो जाएंगे। 6-11 टीम सोल बड़ा बेनिफिट, बढ़िया यहाँ पे वैल्यू निकालते जा रही है। वो नेक्टर को डाउन किया तुरंत, यहाँ पे गॉब्लिन बाहर निकलेंगे, डैमेज काफी तरह बच के क्या निकल पाएंगे, क्योंकि अभी मुझे लग रहा है यहाँ पे थोड़ी सी इनके लिए बढ़ने वाली है। बहुत ज्यादा प्लेयर्स पहुंच चुके हैं सामने तो अब गॉब्लिन को कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा या फिर हेक्टर को सही टाइम पे आगे कवर देना पड़ेगा। गॉब्लिन को डैमेज बहुत तगड़ा लीजिए, गॉब्लिन फिनिश हो जाएंगे। 12-8 हो चुका है लेकिन हेक्टर क्या वो कवर दे पाएंगे, एक्चुअली कवर दिया, ट्रेड निकाले, आई डोंट कॉल इट कवर, आई वुड कॉल इट ट्रेड। 13-8 हो चुका है, 5 पॉइंट्स का डिफरेंस, डिफरेंस बढ़ ही रहती है करके एक-एक पॉइंट करके। हेक्टर एक काफी ज्यादा बढ़िया डैमेज यहां पे दिया, जरूरत कोई खास फायदा हुआ नहीं। और इसी के साथ ओमफो के ऊपर एक बढ़िया स्प्रे, हेक्टर ओमफो को भी डाउन करेंगे। स्प्रे गॉड अब अकेले बचा, यहां पे देखते हैं उनको डाउन कर पाएंगे, क्योंकि इतनी देर में अगर बात करो तो हो सकता है ओम फो भी वापस आ जाएंगे। हील अप वगैरह वो कर लीजिए, वो भी वापस आ चुके हैं जी, बिल्कुल काफी अच्छे तरीके से हील करके अपने आप टाइम लिए और उसके बाद वहां पे इंटर करते हुए देखने को मिले गॉब्लिन। हम जान रहे हैं किस लेवल में फिलहाल अभी असॉल्टिंग इनकी चल रही है, इनको रोकना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है अपोनेंट्स के लिए। तो देखते हैं यहाँ पे क्या टीम सोल को रोका जा सकता है, क्योंकि लीड हमें कुछ मिनटों में ही देखने को मिल रहा है, काफी अच्छी लीड बनाई जा चुकी है। गॉब्लिन की बात करें तो जंप करके सामने आ जाते हैं उनको और डाउन करने में कामयाब, हेक्टर को भी यहाँ पे डाउन करते हैं। तो पॉइंट्स की बात की जाए तो एक ब्रेक लगा था फोर किंग्स के पास, अब थोड़ी सी रफ्तार पकड़ रही टीम सोल, एक एक करके आप बात करें तो पॉइंट्स निकालना स्टार्ट कर चुके हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग अटैक यहाँ पे जाता हुआ बिल्कुल एकदम क्रॉस एंगल पे आके यहाँ पे टीम सोल खिलाड़ी और फोर किंग्स को मानो दोनों ही 21 में फिलहाल डाउन किया गया। 2 पॉइंट्स सीधा प्लस करेंगे, 18 अंक हो चुके हैं और लीड धीरे धीरे 10 पॉइंट के तरफ बढ़ता हुआ। देखिए लीड तो बहुत ज्यादा बढ़िया तरीके से टीम सोल आपको निकालते ही दिख रही है, 20-12 हो चुका है। तो आपको पता है कि चांसेस बहुत ज्यादा इनके पास जीतने के और जिस स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं यू नेवर नो, एक आधो मिनट पहले ही चाहे तो गेम बना सकते हैं। बट फोर किंग हाँ वो भी ट्राई करें कमबैक दिखाने का, लीजिए वो कमबैक की शुरुआत ऑलरेडी आपको होती भी दिख रही है। 13-20 हो चुका है डिफरेंस, कम करने की कोशिश 10 से 7 तक आया है, क्या यहाँ से अब 7-0 तक 0 तक जा पाएगा, क्या नलीफाई हो पाएगी लीड, एक काफी बड़ा सवाल इसका जवाब यहाँ पे देते दिखेंगे गॉब्लिन। और जब जवाब है ना इतनी इजीली तो नहीं, यहाँ पे लीड आपको नहीं नलीफाई दिखेगी, लीड अभी तो और बढ़ती ही दिखेगी। हेक्टर आगे बढ़ेंगे, एक और पिकअप निकालते हैं और हेक्टर हल्का टीम एंगल चेक किया यहाँ पे उनको, क्या यहाँ पे एक स्प्रे देंगे एकदम, मुझे लग रहा है चांस बहुत ज्यादा है। हेक्टर ऑलरेडी आगे बढ़ चुका, देखिए क्या बढ़िया तरीके से यहाँ पे स्प्रे कोशिश थी, लेकिन ओम फो मतलब न्यू हेलमेट में काफी बढ़िया वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ पे। कब आगे बढ़ेंगे जरूर विद अ ड्रॉप शॉट प्यार से पिकअप निकालेंगे, लेकिन लीड वो अभी भी आपको टीम सोल के पास दिखेगी। लीड में अब काफी अच्छी तरीके से यहाँ पे मेंटेन कर रहे हैं, पिछले में बात करें तो लगभग 10 के आसपास था, अभी भी देखिए 10 के आसपास ही वो लीड अभी देखेंगे। कभी भी अच्छा एचपी बहुत ज्यादा लो होगी तो हेक्टर की तरफ से वो कवर आ जाता है, जो कि एक सपोर्टर की बात करें तो क्लासिक में तो
जो हमारे कॉम्पिटेटिव लॉबी होती है उसमें देती है, साझा टीडियम में भी यहाँ पे करते हुए दिखा रहे हैं। अगली बात करें काफी अच्छी मूवमेंट थी, बट क्राउच में ज्यादा देर तक लॉक होने के कारण फोगिंग्स भी यहाँ पे प्लस पॉइंट अपने लिए कुछ निकाल रहे हैं। सुबह बिल्कुल बात करें उन्हीं पे जाएंगे, ड्रॉप शॉट का प्लान था बट उससे पहले यहाँ पे उन्हें डाउन करेंगे। स्प्रे गॉट काफी ऑन पॉइंट्स यहाँ पे स्प्रे कर रहे हैं अभी तक, नाम कैसा काम भी किया जा रहा है। रोकना थोड़ा डिफिकल्ट हुआ तो है बट अभी भी उम्मीद के किरण में बोलूंगा, चार मिनट का वक्त है। लीड भी अभी बात करें तो ज्यादा है बट उसे कवर किया जा सकता है क्योंकि आज के डे पे जो हमारा दूसरा मैच था इसे कुछ कवर करते हुए दिखाए थे, लेकिन अब लग नहीं रहा कि गॉब्लिन इजाजत देना चाह रहे हैं। और साथ ही साथ हेक्टर की तरफ से बात करें तो 16 फिनिश जा चुके हैं और अकेले के 16 फिनिश हमें हेक्टर की तरफ से देखने को मिल रहा है। सरदार जी हमें उम्मीद था कि चलिए गॉब्लिन तो है इस तरीके के अंक निकालते जब वो दोनों एक साथ होते, बट आज हेक्टर ने वो फ्रंट लाइन कमान संभाला हुआ है और बहुत ही अच्छे तरीके से अंक निकालते चले जा रहे हैं। 10 पॉइंट का एग्जैक्ट लीड हमें देखने को मिलेगा टीम सोल के पास और अब 4 मिनट का गेम बचा। जैसा आपने बताया था कि शायद ही 4 मिनट तक का ये गेम जाता हुआ देखने को मिले, बहुत ज्यादा सहमत हूँ आपसे आपके बात से क्योंकि बहुत डिफिकल्ट हो चुका है। अब यहाँ पे नजर डाले तो हेक्टर मिड से पूरे अच्छे तरीके से संभाल रहे हैं, लेफ्ट साइड से गॉब्लिन लॉक कर चुके थे। दो एंगल से अगर आपके पास इतने स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहे तो अपोनेंट के लिए चांस बनता नहीं है और बड़े ही आराम से यहाँ पे गॉब्लिन एक और पॉइंट निकालेंगे। 30 स्कोर कर चुके हैं, 35 की तरफ तेजी से बढ़ते हुए अब वो ऐलान कर रहे हैं कि ये हम जीत रहे। जहां भी गॉब्लिन को मुश्किल हो रहा है हेक्टर आ रहे उनको संभाल रहे, अंक निकालते चले जा रहे। 16-18 फिनिश निकाले जा चुके हैं क्रॉस करके। यहाँ पे बात करें तो पीके और एक फिनिश तो निकालेंगे पॉइंट के ऊपर, बट राइट साइड से वो 40 आते बट गॉब्लिन को साइकिल पे जाते कि चलिए वो इंफॉर्मेशन का बहुत अच्छे तरीके से सहारा लिया जा रहा है। ऐसा नहीं कि रैंडमली गन गेम, हम दोनों ही टीमों की जानते हैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है बट इंफॉर्मेशन की सप्लाई बहुत ही अच्छे तरीके से यहां पे किया जा रहा है। हेक्टर की बात करें तो फ्री फायर वहां पे करते हैं, उसके चपेटे में स्प्रे गॉड हमें आते हुए देखने को मिल जाते हैं। 34 का स्कोर हो चुका है बहुत ही आसानी से। ये बात करें तो ओपनिंग की तरफ बढ़ रहे, अगले राउंड की तरफ बढ़ रहे क्योंकि हम जान रहे जो भी यहां से हारेंगे उनको इस टूर्नामेंट से करना भी चाहिए जल्दी जल्दी। हेक्टर आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, चेक कर लिया प्लेयर क्वालिटी स्पॉट ने डैमेज हल्का सा खाया होता है, लेकिन इसी के साथ यहाँ पे आगे बढ़ के कनेक्ट करते हैं तो वैल्यू निकाल सकते हैं, फिनिश कर सकते हैं। लीजिए जंप करने की कोशिश थी यहाँ पे, फिनिश कर दिया जाएगा। ओम बहुत जैसे कॉम्बो डाउन किया जाएगा तो यहाँ पे हल्का सा स्कोर ऊपर नीचे मिस होता देखेगा तो, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे 36 हो चुके हैं। सो सिर्फ चार और पॉइंट ओम फो गैस भी बहुत कम है, बट आराम से आगे बढ़ के यहाँ पे गॉब्लिन ओम फो को भी फिनिश कर देंगे। और लीजिए इसी के साथ 3 मात्र पॉइंट जीतने के लिए अब यहाँ से कम बैक वो नामुमकिन है, अब तो नामुमकिन है। स्प्रे गॉड पर गैस भी कितनी कम, क्या यहाँ पे फिर जाएंगे बिल्कुल हेक्टर की तरफ से फिनिश किया जाएंगे। और अब मात्र 2 पॉइंट्स ही हैं, एक एक करके दोनों प्लेयर्स को एक एक बार डाउन कर दीजिए, एक बार फिनिश कर दीजिए। और लीजिए उसी के साथ 1 पॉइंट आया, दूसरा ऑन दी वे है, डैमेज काफी तगड़ा पड़ेगा। स्प्रे गॉड एचपी बहुत कम बची है, मात्र 1 पॉइंट बचा है बस यहाँ पे। टीम सोल कोशिश करेगी उस 1 पॉइंट को जितनी जल्दी निकाल ले उतना अच्छा, क्योंकि ये 1 पॉइंट आपको आगे बढ़ाएगा और टीम 4 किंग इनका सफर खत्म कर सकता है। सो देखते हैं खत्म कर क्या सकता है, कर दिया ऑलरेडी। मैं बोलूंगा यहाँ पे कब तक आप बच कर आएगा, बिकॉज ये 1 पॉइंट निकालना, 1 पॉइंट से खुद को बचा करने का बहुत नाम गिना। लीजिए जैसा बोला आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, हेक्टर वाज़ द वन जिन्होंने वो आखिरी कनेक्शन दिया और